और दूसरी छोटे मोटे कबीलों में तकसीम और मुनकसम है, आप उस सोच से जब तक नहीं
आप सो आप उस सितारों पे चांद पे और सूर्य पे कमल उस वक्त नहीं डाल सकते जब तक आप इस सोच को खत्म नहीं करते कि हमने मकुरानी का लशानी का हमने जो है नसीराबाद का कोई सलेमानी का नासी का केतरानी का किकू की तफरीक नहीं। फिर आज की जरूरतें तब्दील हो गई हैं। आज आपको पूरी दुनिया में बहुत से अपॉर्चुनिटीज भी है, बहुत से चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज भी मौके हैं। आज जो दुनिया के अकवाम है उनकी सियासी कयादत है, खुसूस आप जैसे नौजवान हैं। मैं आप लोगों ने सुना होगा कि 3G 4G 5G ये सिर्फ मोबाइल का डेटा नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि लोग 3G 4G से बहुत जल्दी जो है वीडियो डाउनलोड करें, तस्वीरें लें और वो जो है फेसबुक पे लगाएं। इट्स नॉट जस्ट फॉर फन, ये शुगर के लिए नहीं है। 3G, 4G, 5G जब लोग 5G वॉर की बात कर रहे हैं, हम 5G वॉर की बात नहीं कर रहे हैं। यानी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जिस तरह दुनिया में टेक्नोलॉजी थर्ड फोर्थ जनरेशन पे एडवांस हो गई, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी पे बढ़ गई है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे बढ़ गया है, इसी तरह फिफ्थ जनरेशन पोलिटिकल थॉट्स भी सामने आए हैं। सियासी ख्याल, फिफ्थ जनरेशन सियासी सोच, फिफ्थ जनरेशन सियासी आइडिया, आइडियाज आपको अपने अंदर इनप्रिंट करने होंगे। जिस तरह मेमोरी कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, ये सारी चीजें इंसान एग्जैक्टली इट्स अ सॉफ्टवेयर। आप लोग इंसान जो हार्डवेयर है उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। बदकिस्मती से हमारी बलोच सियासत में जो आज थोड़ा बहुत, मैं इसको जवाब नहीं कह रहा, लेकिन एक सारा सीमिटी, एक थोड़ी सी वो बदनजमी या सियासत से मायूसी, जिसका जिक्र वाइजान ने भी किया कुछ दोस्तों ने, कि लोग अब अपने बच्चों को बलोच स्टूडेंट्स में भेजना नहीं चाहते। लेकिन मैं आप गौसिया कहता हूं, मैं काफी लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को अख्तर बेंगल बनाना चाहते हैं, सना बलोच बनाना चाहते हैं। आप लोगों का आइडियल बन सकते हैं, आप बलोचिस्तान की मांगों बहनों बेटियों बच्चों को दोबारा न सिर्फ एक अहम काबिल क्यादत दे सकते हैं बल्कि अपनी जान मतवजो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सिर्फ एक मशक, एक सितारा, खूनान झंडा, शहीदों के लहू, इसकी तस्वीरें लगा के अगर आप समझते हैं कि आप बलोचिस्तान के लोगों के दिलों पर राज करेंगे और बलोचिस्तान की माए बहने अपने कपड़ों पर दोबारा BSO का मशक जो है वो कशीदा कारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को इसके लिए रियाजत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। कबाइलियत, कौमियत, इलाकाइयत, इस वो क्या कहते हैं कि गुजलक से, कॉम्प्लेक्स से, नेगेटिव से, थॉट से, फिक्र से इसको निकालना होगा। इतने बड़ा, अब जब इतने छोटे मोबाइल में इतनी मेमोरी आ गई है तो आपके दिमाग में इतना बड़ा जो बिस्तर उठाया हुआ है, पैकेज है, कल्चरल बैगेज हमारे साथ है, ट्राइबल बैगेज हमारे साथ है, रीजनल एरिया वाइज, इन पैकेजेस के साथ आपका सॉफ्टवेयर अच्छी तरह जदीद दुनिया के तकाजों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सुपर पावर का कंसेप्ट चेंज हो गया है। पहले पूरी दुनिया में सुपर पावर का कंसेप्ट यह हुआ करता था कि जो बड़ा मुल्क है, जिसके पास सबसे ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिट्री पावर है, वो सुपर पावर है। वो डंडे के जोर पर जो है मुल्क ममालिक फतह करता था और वो जो है दुनिया का एम्पायर बन जाते थे। वक्त के साथ साथ तब्दीली आती थी, पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ गया। अब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बाद अब जो सुपर पावर का कंसेप्ट है, आपका सुपर पावर चाइना और अमेरिका नहीं है, आपका सुपर पावर गूगल है, आपका सुपर पावर वाई है, आपका सुपर पावर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, आपका सुपर पावर जो है वो दुनिया के जो सैमसंग है, वो कंपनियां, उनकी सोच, उनके जो विजन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि स्पेशली जो उनके डिजाइन है, जो उनके एक्सप्लोरेटिव आइडियाज जब मिल जाते हैं, फिर वो दुनिया के अंदर मिलिट्री पावर्स को
इंस्टिगेट करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं अपने मकासद और मुफादात हासिल करने के लिए। जब दुनिया में सुपर पावर का कंसेप्ट ही चेंज हो गया है तो इसका मतलब यह है कि जो कौम टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जो कौम इल्म में तालीम में सबसे एडवांस है, जो कौम जो है अपडेटेड है, इंफॉर्मेशन अपडेट का मैं नहीं कहता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो कौम नॉलेज में एडवांस है, नॉलेज में अपडेटेड है, वो कौम आगे बढ़ने की सलाहियत रख सकता है। अगर किसी और कौम को फता न करे कम से कम खुद सम्मान कर सकता है, खुद अपनी बका बरकरार रख सकता है। आज तो प्रॉब्लम ये हो गया कि हम अपनी बका, आज से 20-30 साल पहले भी जब मैं BSO का सेक्रेटरी जनरल प्रेस सेक्रेटरी बना बराज बना जिसका 94 के लिए तालीम, मैंने उस वक्त मुझे याद है पहला करा था जो मैंने लिखा उस वक्त आया मकरान में मेरी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ग्वादर में बननी चाहिए, कोस्ट को डेवलप होना चाहिए। हमें ये नहीं था पता कि जब क्योंकि अब तो तालीम के हवाले से 20 का मेन ऑब्जेक्टिव था। 20-25 साल तक हमने जब तुझे किया बलोचिस्तान में तालीमी इदारे पढ़ गए, लेकिन ये तालीम जो हमारे कौम को तरक्की तामीर खुशहाली और उसकी सियासी माशी और माशरती बका का जो जामिन बन सकती है, ये वो तालीम नहीं है। अरे जदीद तालीम चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले मोबाइल फोन नहीं था, 20 साल पहले ओआई नहीं था, 20 साल पहले गूगल नहीं था, 20 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, 20 साल पहले इंटरनेट का वेब जो वो इतना इस्तेमाल जो है इनका पैदा नहीं हुआ था। कौमें जो है वो सॉफ्ट पावर की बजाय हार्ड पावर पे बिलीव करती थी। जब अब दुनिया में सारी चीजें चेंज हो गई है तो आपने क्यों अपने आप को अभी तक चेंज नहीं किया? आपने अपने आप को क्यों नहीं करती? मैं इससे कौन मैं कह रहा हूं ना कैसे थे बलोच बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सब कौन बलोच तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारी किसी से जज नहीं है, हम किसी की जमीन फता नहीं करना चाहते, हम किसी की रोजी रोटी उसके मुंह से छीनना नहीं चाहते, हम किसी के खुदा ना खास्ता तलवार उठा के बंदूक उठा के किसी की गर्दनजनी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बलोचिस्तान जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव बलोचिस्तान है इसकी भी हकीकत देखी जाए। 1,20,22 लाख की आबादी में तकरीबन हमारे जो है 72 लाख नौजवान हैं। आप BSO की कयादत यहां बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि आपके पास इस तकरीबन 75-70-80 लाख नौजवानों के लिए क्या पॉलिसी है? BSO पहले ये तो नहीं हुआ करता था कि सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों में जो है वो कुछ नौजवानों के साथ कुछ तंजीमदारी करता, कोई सर्कल करता। BSO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जब वर्ड स्टूडेंट आपके पास रह जाता है देन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। आप इंतजार नहीं करेंगे कि कोई बच्चा जो है वो जब तक कॉलेज में नहीं पहुंचता है उसको हॉस्टल की जरूरत नहीं होती, वो हमारे लिए मजबूर नहीं होता। ये था आज से 20 साल पहले वाला कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर। जब वो हॉस्टल के लिए मजबूर होता जब तक सलाह भरोस लेके नहीं देता था उसको हॉस्टल नहीं मिलता था। उस वक्त की जरूरत के लिए किया, आज की जरूरत ये नहीं है कि आप अपनी सियासत को कैंटीन हॉस्टल कमरों या किसी जो है वो गाड़ी के लिए जो है नौजवानों का मोहताज बनाए। आज आप BSO को एज एन इंस्टीट्यूशन, मैंने आज से 10 साल पहले बार बार ये की है बात कि बलूचिस्तान में अगर कोई बहुत बड़ी इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी है तो उसका नाम है बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। बलूचिस्तान में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं उसका एक छोटा सा तालिबे हूं, पूरी दुनिया में जाता हूं, एक घंटे के लेक्चर के लिए 6-7 लाख रुपए लेता हूं। इट्स बिकॉज ऑफ BSO, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर। मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी ने किसी भी इंस्टीट्यूशन ने यह तरबियत नहीं दी कि आप क्रिटिकल थिंकिंग में बात करें, आप पोलिटिकल साइंस में बात करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे लिखें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज पे बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पे बात करें। जब मैं BSO में था आई लर्न ऑल दीज स्किल, ये सारी चीजें मैं सीख गया। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं मैं कम से कम भूखा नहीं रहूं। और ये वो डिग्री है कि मुझे बलोच स्टूडेंट आदर्शन ने दी है जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट को जो है वो प्लास्टिक कोटिंग करके 24 घंटे सेक्रेटरी में स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये है कॉन्फिडेंस।
थोड़ी बारी जिम्मेदारियां आई होती है, वक्त अगर ज्यादा नहीं है तो पता चले मुझे और कम जाएगा उठा लिया। देखिए अब मैं आता हूं बलूचिस्तान की जा रहे हैं। उस दिन जो पीएसओ के दोस्त मेरे पास आए, मैंने कहा अपने अब जो बच्चा 3 साल के 4 साल के 5 साल के जब वो स्कूल जाता है वो स्कूल से मैरूम है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ई और शी इज ऑल्सो एन स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट है, वो भी तालिबे इल्म है। आपने सिर्फ कॉलेज के बाथरूमों का, स्कूलों का, कमरों का, बसों का जिक्र नहीं करना है। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशन में, चाहे वो आपके बलोचिस्तान में 5,000 स्कूल है, 3,000 बल्ब स्कूल है, खवातीन की बच्चियों की बलोचिस्तान, पूरी दुनिया में अफ्रीका में भी कोई ऐसा पसमानदा मुल्क नहीं जितना बलोचिस्तान है, जहां पर खवातीन या बच्चियों की, लड़कियों की स्कूलों की तादाद जो है वो बलोचिस्तान में 30% भी नहीं है। 70% बच्चियां जो है लड़कियां वो तालीम से महरूम है। ये बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, ये पीएसओ की जिम्मेदारी है कि इन तमाम फैक्ट्स और फिगर को इकट्ठा करके तालीम के लिए बलोचिस्तान में एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट का आगाज करें। अगर मुलाजमीन 25% के लिए आगे धरने दे सकते हैं, सड़कें बंद कर सकते हैं, आप मुझे बताएं आप लोग वहां टेंट लगा के गुरु का के गुरु पहुंचा रहे हो, गुरु जानते हैं आप नहीं जानते हैं, वो जो पत्थर से है वो पत्थर में रोटी को बनाते हैं, आप लोग कर नहीं सकते। 5,000 स्कूल के लिए बलोचिस्तान में आने वाले बजट से पहले बहुत बड़ा कौमी धरना नहीं दे सकते, कौमी प्लान नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी नेशनल मूवमेंट डेवलप नहीं कर सकते, लड़कियों की स्कूल लड़कों के बराबर करने के लिए तहरीक का नाम बहुत स्कूल आरक्षण नहीं कर सकता, कब करेगा? ये सोचने की बात है। और ये आपने एक होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का आधीन है, जो वक्तन फौरतन हर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको अपडेट किया, अपग्रेड किया, आपने भी सफा किया होगा, वो आपका है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जब तक आप जिंदा हैं आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अपने जहन में रखें, अपनी कौम की खुशहाली, खुशबख्ती, सरबुर्जी, आया, ईमान, वसाइल पे अपने हिम्मत, आखिमियत, इख्तियार को लेने के लिए वो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब भी पीएसओ का कोई भी कैबिनेट आता है वो पीएसओ के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी बनाता है। आप लोगों के प्रॉब्लम कैबिनेट 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है, पर्टिकुलरली आपके सेंट्रल कमेटी के दोस्तों से और आपके कैबिनेट के दोस्तों से, कि जब आप अपनी अगली सेंट्रल कमेटी मुनक्किद करेंगे उसमें आपने अपने 2 साल के ऑब्जेक्टिव अलग से डिक्लेयर करने हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से कंसीव करके, उनसे आइडियाज कंसीव करके 2 साल में आपने क्या करना है, आपने अपने टारगेट अभी से बनाने हैं और ईमानदारी के साथ उनके लिए ट्रांसपेरेंसी बनाए और उनको अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी भी बनाए जिसको कहते हैं एक बटेमली। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैबिनेट दे दिया सिर्फ शहीदों के दिन मनाने या कहीं पे कोई स्कूल और कॉलेज में कोई छोटा सा तकरीब हो गया, ये सो इससे बढ़कर बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए जब आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, इनका मैंने जिक्र किया, तालीम है, आपके स्कूल है, आपके स्कूलों की कमी है, आपका तालीम के मैदान में अगर कुछ यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बढ़ गई हैं, लेकिन ये तालीम वो तालीम नहीं है जो आपको आपकी जमीन पर इख्तियार दे सके। अभी तक जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, इसकी अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें, ये इख्तियार वाली तालीम नहीं है, ये ताकत वाली तालीम नहीं है, ये एम्पावरमेंट वाली तालीम नहीं है, यानी आपको बाशकार बनाने वाली तालीम नहीं है, ये अभी भी गुलामाना ज़हन और गुलामाना मिजाज पैदा करने वाले तालीम का हिस्सा है। तो आपने इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी होगी, इस सिलसिले में सेमिनार और मीटिंग्स करने होंगे। और पर्टिकुलरली बलोचिस्तान के हालात आपके सामने है, आप दोस्तों ने खुद इसका जिक्र किया, बदकिस्मती यह है कि कुछ कौम पर जितनी भी है बहुत से मामलात में थोड़ी बहुत जो हमें दूरियां हैं, खुदा करे कि वो दूर हो। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार जान नेंगर, हम सब की ये ख्वाहिश है कि बलोचिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुतह हो। और ये जो कुछ लोग ये समझते हैं कि हम बलोचिस्तान को ये कशीदाकारी, एक किस्म की उनकी कशीदाकारी हो रही है जिसको ये तकसीमकारी
जिसको मैं समझता हूँ, लेकिन उसको बड़ा खूबसूरती से पेरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अपने जुनूबी बलूचिस्तान का अलग पैकेज है, मगरबी बलूचिस्तान का अलग पैकेज है, तो पता नहीं शुमाली बलूचिस्तान का अलग पैकेज है। बलूचिस्तान ही एक है, बलूचिस्तान हमारी शिनाख्त है, बलूचिस्तान हमारी रूह का हिस्सा है। इससे आगे बलूचिस्तान को तकसीम करने की किसी ने भी कोशिश की, ये मैसेज क्लियरली सबको जाना चाहिए कि आप इन अखंडों से कोई भी बलूचिस्तान में अपनी ताकत, अहमियत, हैसियत और अख्तियार को बरकरार नहीं रख सकता। बलूचिस्तान में अगर कोई प्यार और मोहब्बत से बलूचिस्तान के नौजवानों को बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करना चाहता है, वो बीएसओ से भी डायलॉग करे, वो बीएनपी से डायलॉग करे, वो बलूचिस्तान की सियासी क्यादत के साथ डायलॉग करे, बलूचिस्तान की इंटेलिजेंसिया के साथ डायलॉग करे, बलूचिस्तान की अकेडमिया के साथ डायलॉग करे, बलूचिस्तान के प्रोफेसर के साथ डायलॉग करे। बलूचिस्तान का मसला उसको जोनों में तकसीम करने का नहीं है, अपने बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में, दिमागों में, हुकूमत ने अपने हवाले से जो नफरत पैदा की है उसको हटाने के लिए आपको सजीदा कोशिशें करनी पड़ेगी। 20 सालों में तशद्दुद, कत्लोगारतगिरी, मसलशुदा लाशें, लापता अफराद, रोती उभरती हुई माएं, बच्चे, जब बलूचिस्तान को आप ये देंगे, आप बलूचिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग पर हुकूमत भी नहीं कर सकते और बलूचिस्तान के लोग दिलो दिमाग से आपकी अहमियत और हैसियत को तस्लीम नहीं करेंगे। जो आपकी जायज हकीमियत है, अगर आप समझते हैं कि रियासत और स्टेट बलूचिस्तान में तब्दीली चाहता है या मुस्बत तब्दीली की तरफ, आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। 78 लाख बलूचिस्तान में नौजवान है। सुबह घर से निकल रहा था, बुजीगाम के बॉर्डर से फोन आया कि तकरीबन हजारों की तादाद में, और वो आपसे ज्यादा खूब नौजवान है, मेरे सेक्शन को देखें जो जवाब चलाने वाले हैं, जहां पर वो बॉर्डर पर जो है 7-7 दिन से, बल्कि 7-7 हफ्ते से वहां पड़े हुए हैं, भूख का प्यास का शिकार है, वो आपके औलाद है, आपके बच्चे हैं और आपके भाई हैं। बीएसओ की ये भी जिम्मेदारी है कि जब इस तरह का क्रिटिकल टाइम होता है, ऐसे क्रिटिकल टाइम में वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सिर्फ इस इंतजार में कभी ना रहे कि बलूचिस्तान की सिर्फ सियासी जमातें, बिल्कुल बलूचिस्तान की सियासी जमातें अपना फर्ज अदा कर रही हैं और करेंगी जब तक जितने हमने, लेकिन आपको अपनी अपनी जो अपनी सोच और फिर आपने अपना विजन ब्रॉड रखना है, आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, आपने अपनी कयादत में बर वक्त लोगों को यह महसूस करवाना होगा कि उनको तकलीफ होने से पहले बीएसओ ने उनकी तकलीफ को महसूस किया, उनको परेशानी होने से पहले बीएसओ ने उनकी परेशानी महसूस की है। इसीलिए तो आपको कयादत की जिम्मेदारी दी है, वरना चाय बिस्किट के लिए तो लोगों ने कायद नहीं बनाते, लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत है, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों ने इस पे आप लोगों के साथ जो है आपको ये जिम्मेदारी दी है। मुझे उम्मीद यही है कि बिलखसूस बाकी चीजों के साथ साथ बड़ों से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने अंदर अपने जो चैलेंजेस हैं, अपने जो मसाइल हैं, उन पर भी आप लोगों ने मिलकर बैठकर बात करनी होगी। और मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आप लोगों की आजाद खुद मुख्तार हैसियत को न सिर्फ हम हमेशा से इज्जत देते रहे हैं और उसको तस्लीम भी करते हैं। आप हमारे लिए हमारा सरमाया है, कौमी सरमाया, बीएनपी का सरमाया नहीं है, आप एक कौमी सरमाया है। बलूचिस्तान को की मुस्तकबिल को कयादत आप ही की तरफ से इस प्लेटफॉर्म से ही हासिल होगी, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि आप माहाना कम से कम 15 रोजा एक सिलसिला शुरू करें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग का, डिस्कशन का, स्टडी सर्कल का। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह एक वक्त हुआ करता था बात करते थे तो उस हाथ से बाहर हमारी बात नहीं पहुंचती थी, सिर्फ वो स्पेशल ब्रांच वाले ही मेरे साथ हमारी बात अपने बॉसेस को पहुंचा देते थे या कुछ नौजवान अपने गांव गलियों में जाके। लेकिन दुनिया बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया है, आपकी बात डिजिटल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। अच्छी अंग्रेजी लिखना शुरू करें, अच्छी अरबी लिखना शुरू करें, अच्छी स्पेनिश लिखना शुरू करें, अच्छी फ्रेंच लिखना शुरू करें, बोलना शुरू करें, बलोची, बरावी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, ये सारी हमारी जुबानें, जुबानों में कोई कैद नहीं है। अपने आइडियाज को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को मुस्बत अंदाज में किसी भी जुबान में उसकी तरवीज कर सकते हैं, ये कोशिश आपने जारी सारी रखनी होगी। तस्सुर का शिकार ना हो, और बिलखसूस जो जिन इलाकों में आपकी सियासत और आपकी तंजीम कमजोर पड़ी है उसका एक जायजा लें, उसका एक तजिया करें। ये सेंट्रल कैबिनेट कमेटी के जितने दोस्त बैठे हैं, खसूस सेंट्रल कैबिनेट के दोस्त बैठे हैं, आप लोगों ने 2-3 क्रिटिकल अपनी मीटिंग्स कंटिन्यूसली करनी होगी। और